बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां सैलाब का तांडव यहां भी देखने को मिला। किशनगढ़ में भारी बारिश से गैस सिलेंडर पानी में तैरते हुए नजर आए। आसमानी आफत के आगे अजमेर भी बेहाल नजर आया। सड़कें पानी से लबालब भर गई। जैसे जैसे बारिश की रफ्तार बढ़ी, सड़कों पर वाटर लॉगिंग भी बढ़ने लगी। पानी की निकासी का ठीक इंतजाम न होने की वजह से थोड़ी देर की बारिश में सड़कें लबालब भर गई और सब कुछ पानी में बहने लगा। इन तस्वीरों को देखिए, गैस सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि सिलेंडर इतने ज्यादा है कि आप गिनते रह जाएंगे। अजमेर के सरवाड़ी गेट के पास करीब 30 सिलेंडर काफी देर तक इसी तरह पानी में तैरते रहे। जानकारी के मुताबिक ये सिलेंडर गैस एजेंसी में डिलीवरी के लिए रखे गए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा आया कि सब बहने लगे। पानी के बहाव के साथ ये सिलेंडर नाले की तरफ जाने लगे तो एजेंसी के कर्मचारी उसे संभालने की कोशिश करने लगे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सिलेंडर को नाले में जाने से बचा लिया गया। अजमेर के दौराई इलाके में हर तरफ कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं। गाड़ियां पानी में आधी डूबकर आती जाती दिखाई दी। स्टेशन जाने वाले रास्ते को लेकर शहर की हर सड़क पानी में डूब गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ये तस्वीरें अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोलने के लिए काफी हैं। और देखिए, 68 साल पहले देश को बाढ़ से बचाने का जो सपना देखा गया था, उसे हकीकत की तरफ लेकर जाते तो हर साल हजारों करोड़ की चोट से हिंदुस्तान को बचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और करोड़ों लोग बाढ़ के विभीषिका का शिकार होने से बच सकते थे, लेकिन ये ना हो सका। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सिस्टम की नहीं है, आम जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। ये पाली गुसाई में मोटरसाइकिल बेचते हुए गई 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 यार, छोड़ दो आप, छोड़ दो भैया। पिछले करीब सवा मिनट में टीवी स्क्रीन पर गुजरी हर तस्वीर के साथ आपने एक आंकड़ा लिखा हुआ देखा है, और इस आंकड़े पर जोर इसलिए क्योंकि तबाही की बारिश देश के सीने पर हर साल 5000 करोड़ की बड़ी गहरी चोट करके जाती है। पहाड़ों पर पुल टूट जाते हैं, हमारे गांव टापू बन जाते हैं, मैदानों में हर साल शहर के शहर डूब जाते हैं। फ्लाईओवर से लेकर हाईवे तक तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां सड़कों पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई कह सकता है कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं? राजस्थान के बारा से लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल तक की तस्वीरों में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देता।
आंकड़े बताते हैं कि तबाही की इस कहानी में हर साल करीब 1500 लोगों की मौत भी शामिल होती है। मॉनसून के महीने में देश के लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली बारिश करीब 3 करोड़ की आबादी के लिए आपातकाल होती है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि बाढ़ से होने वाली आर्थिक चोट से लेकर हजारों लोगों की मौत तक सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम अपना फर्ज नहीं निभाते। और अगर हम वाकई गंभीरता के साथ अपना फर्ज निभा रहे होते तो ये तस्वीर सामने नहीं आती। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में पानी के बीच 1, 2, 3 और 4 लोग फंसे हुए दिख रहे हैं और जिस जगह ये फंसे हैं वहां से महज 50 मीटर दूर ही डैम से पानी की धार निकल रही है। अंदाजा लगाइए कि पानी में कितना करंट होगा, फिर भी इन 4 लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है ताकि पानी का बहाव बहा कर ना ले जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं और जिस डैम का पानी खोला गया है वो तवा नदी का डैम है। बरसात के दिनों में यहाँ लोग डैम का पानी देखने पहुँचते हैं। शनिवार को भी लोगों की भीड़ यहाँ जमा थी और उसी भीड़ में शामिल ये 4 लोग नदी के बीचों बीच चले गए थे। अचानक डैम का दरवाजा खुला और नदी में पानी बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि ये चारों नदी के बीचों बीच चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान चारों फंस गए। आसपास पिकनिक मनाने पहुंचे लोग इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। पानी में फंसे युवक मदद के लिए चिल्ला रहे थे। किनारे खड़े लोगों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे इनकी जान बचेगी। हर कोई हैरान परेशान हो रहा था। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत की और सेल्फी की सड़क में फंसे हुए 4 लोगों को बचाने की ठानी। इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर तेज बहाव को चीरते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां पर ये 4 लोग फंसे हुए थे। बताया जाता है कि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने मिलकर इन युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन ये घटना सबक दे गई कि पानी के बहाव में मस्ती कितनी महंगी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इस मौसम में अगर आप पानी के आसपास जाते हैं तो जान जोखिम में डालने वाली गलती ना करें, क्योंकि गलती करने का नतीजा क्या होता है वो इस वीडियो में देखिए। सड़क पर नदी का पानी तेज रफ्तार में बह रहा है, दोनों तरफ लोग खड़े हैं, लेकिन एक शख्स पानी की इस धार को पार करने की कोशिश कर रहा है। किनारे खड़े लोग चिल्लाते हैं लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता और होता यह है कि पानी की रफ्तार के आगे इनके पैर जवाब देने लगते हैं और फिर देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने ये शख्स बह जाता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। बताया जा रहा है कि जो शख्स पानी में बहा उसका नाम भगीरथ था और वो शराब के नशे में था। हालांकि बाद में लोगों ने उसे बचा भी लिया। अफसोस ये कि लापरवाही की इकलौती तस्वीर नहीं है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई तस्वीर देखिए। बाबे भेजा गया, देख 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 गया। दो बह गए ना, कहाँ
वहीं बैठे रहे भाई, वहीं बैठे रहे अभी। अबे भागे 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 बे। सिर्फ चंद सेकंड के भीतर जिंदगी मौत के मुंह में समाती हुई दिखी। तस्वीरें शनिवार दोपहर की है जब छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर को एक युवक रास्ता बता रहा था, लेकिन जिस पानी को कमजोर समझकर ये लोग उसमें उतरे थे उसकी ताकत देखिए। पहले जो युवक रास्ता दिखा रहा था वो बह गया और फिर ट्रैक्टर भी पानी में पलट गया। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। रास्तों पर नदियां उफन रही हैं और उफनते पानी के बीच मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां बाइक लेकर दो युवक दूसरे किनारे तक आने की कोशिश में थे, लेकिन देखते ही देखते बाइक हाथों से फिसल कर पानी में बहने लगी। तमाम कोशिशों के बाद भी बाइक बह गई और वक्त रहते तीसरा शख्स वहां नहीं पहुंचता तो बाकी दोनों युवक भी बह सकते थे। तस्वीर को देखिए, पूरी की पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है और आवाजाही बंद हो चुकी है। लोगों की दुकानें और घरों तक में पानी घुस चुका है। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित और ऊंचे ठिकानों पर चले जाएं। सीहोर के दंदगांव इलाके में अमर नदी कहर बरपा रही है। यहां बाढ़ और बारिश के चलते 14 लोग घरों में कैद हो गए थे, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद है और जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहां निगरानी रखी जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 67 सालों में देश को बाढ़ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।